हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा छः का विज्ञान विषय। कक्षा छः का विज्ञान विषय का पांचवा पाठ है। पांचवा पाठ का है तीसरा भाग है। पांचवा पाठ क्या है आपका? पदार्थों का पृथक्करण। तो पदार्थों का पृथक्करण के संदर्भ में हम लोग दो वीडियो देख चुके हैं। दो वीडियो में हमने देखा है कि पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्या है, पहले वीडियो में देखा था, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था पदार्थों के पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो इन विधियों में हमने हस्तचयन विधि, चालन विधि, और उसके बाद अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन, इन सारी विधियों को देख लिया था। तो उसके बाद क्रियाकलाप है एक, और क्रियाकलाप आप लोगों को करना है। क्रियाकलाप करके देखिएगा क्या यह पूर्णतया सत्य होता है या नहीं होता है। आप लोग करके इसका परीक्षण करिएगा। हम बता देते हैं कि क्रियाकलाप है का, क्रियाकलाप में है आपका कि तालाब या नदी से करना क्या है कि तालाब या नदी से एक पंकिल जल यानी कि गंदा पानी हम लोग इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो तालाब या नदी से इकट्ठा करना है, क्या करेंगे? तालाब या नदी से गंदा पानी, जिसे पंकिल जल कहते हैं, गंदा पानी लेंगे। गंदा पानी लेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है, आपके आसपास कोई तालाब नहीं है, चाहे आपके आसपास कोई नदी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? एक ग्लास लेंगे और उस ग्लास में पानी ले लेंगे। ग्लास में क्या ले लेंगे? पानी ले लेंगे, और पानी में कुछ क्या डाल लेंगे? मिट्टी। तो इसमें क्या है आपका? पानी है और प्लस क्या है? मिट्टी। तो पानी और मिट्टी लेकर के इसको घोल लेंगे। दोनों को क्या करेंगे? पानी और मिट्टी घोल लेंगे गिलास में। अब घोलने के बाद करेंगे क्या? हमको करना क्या है कि इसमें से ये जो मिश्रण है आपका, इस मिश्रण में से हम क्या, हमको क्या करना है कि पानी को शुद्ध पानी प्राप्त करना है। ये जो खाद मिट्टी, पहले तो हम लोग तालाब से गंदा पानी लिए थे, तो गंदे पानी में भी मिट्टी है, तो हम उससे शुद्ध पानी प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? जब ये पृथक्करण की विधि है, देखिए हम लोग कैसे करेंगे। एक एक स्टेप करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग इसमें? सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले होगा इसमें अवसादन। सबसे पहले होगा इसमें अवसादन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अवसादन क्या है? होगा क्या कि जब पानी को हम लोग रख देंगे, इस ग्लास को हम लोग रख देंगे कुछ देर के लिए, तो कुछ देर रखने पर इस ग्लास में होगा क्या कि अगर हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो पानी हमारा ऊपर चला आएगा और जो मिट्टी है वह मिट्टी ऐसे आकर के नीचे बैठ जाएगी। मिट्टी ऐसे नीचे आकर के बैठ जाएगी और पानी कहाँ है हमारा? ऊपर चला आएगा। तो इसी विधि को तो अवसादन कहा जाता है। भारी कणों का नीचे आकर के बैठना और हल्के कण का ऊपर चले आना ही अवसादन कहलाता है। तो सबसे पहले हो जाएगा अवसादन। अब जब अवसादन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में, दूसरा स्टेप हम लोग अपनाएंगे इसमें निस्तारण का। दूसरा स्टेप है हमारा निस्तारण का। तो निस्तारण में क्या करेंगे? बड़े ही सावधानी पूर्वक हम इसको क्या करेंगे कि आराम से इस पानी को जो ऊपर है, धीरे धीरे करके, इस धीरे धीरे करके दूसरे गिलास में एक गिलास ले लेंगे। ऐसे हम लोग एक गिलास ले लेंगे और इस गिलास को क्या करेंगे, ऐसे तिरछा रखेंगे, और दूसरा वाला गिलास जो है, दूसरा वाला गिलास ऐसे क्या है कि इसमें से डालेंगे और इस दूसरे वाले गिलास में हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, दूसरे वाले गिलास में हम लोग ढाल लेंगे। ठीक, ऐसे इस गिलास में से ये जो आपका मिट्टी नीचे बैठा हुआ है, इसमें ये मिट्टी नीचे बैठा हुआ है, और ये जो पानी है, पानी को हम लोग क्या करेंगे, धीरे 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 इसमें डाल लेंगे दूसरे वाले गिलास में। तो यही जो है कि पानी का इसको पानी को धीरे धीरे दूसरे वाले पात्र में डालना ही क्या कहलाता है हमारा? निस्तारण कहलाता है। तो दूसरे वाले कंडीशन में हम लोग निस्तारण कर लेंगे। अब निस्तारण के बाद हम लोग यह देखेंगे ध्यान से कि क्या जो इस गिलास में जो पानी आया है,
इस ग्लास में पानी का रंग एकदम हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या यह साफ पानी है? अगर यह साफ पानी नहीं है, ठीक है, अगर यह साफ पानी नहीं है तो क्या करेंगे हम? अगर यह साफ पानी नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट अपनाएंगे विधि निस्यंदन। नेक्स्ट है तीसरा विधि अपनाएंगे क्या, निस्यंदन की अब क्रिया करेंगे। निस्यंदन में क्या करेंगे, अगर इस गिलास में आपका अहम मिट्टी तो बैठ गई, अब अगर शुद्ध पानी गया है और पानी फिर भी गंदा लग रहा है तो निस्यंदन की क्रिया करेंगे। और इस निस्यंदन की क्रिया में हम लोग क्या करेंगे, अब इस पानी को छन्नी की सहायता से छान लेंगे, दूसरे गिलास में छन्नी की सहायता से छानेंगे। तो अगर छन्नी की सहायता से छानने पर पानी आपको लग रहा है कि शुद्ध हो गया, अगर बड़े बड़े कण है शुद्ध हो गया तो चलिए ठीक है, अगर छन्नी की सहायता से छानने पर नहीं शुद्ध होता है तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक और पात्र ले लेंगे, एक और चीज ले लेंगे, क्या कपड़ा ले लेंगे, कपड़ा सूती कपड़ा जिसे कहते हैं, काटन का कपड़ा ले लेंगे। उस काटन के कपड़े से इस पानी को छान लेंगे। तो जो काटन का कपड़ा जो है आपका, ये ऐसे काटन के कपड़े में ऐसे रेशे होते हैं ना, तो इससे पानी क्या है छन छन के नीचे चला आएगा, जो कण होंगे धूल उल के जो भी कण पानी में होंगे वह ऊपर रह जाएंगे। तो हमको दूसरे वाले गिलास में क्या है कि इस गिलास में हमको शुद्ध पानी प्राप्त हो जाएगा, इस कपड़े से हम लोग पानी छान लेंगे तो हमको शुद्ध पानी प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निस्यंदन। तो निस्यंदन के द्वारा ही जो पनीर है, हम अपने घरों में पनीर बनाते हैं, तो पनीर कैसे बनाते हैं, निस्यंदन के द्वारा ही बनाते हैं। पहले पानी फाड़ लेते हैं, फाड़ने के बाद उस पानी का क्या करते हैं, दूध को फाड़ के हम लोग कपड़े में ले लेते हैं एक सूती, और कपड़े को क्या करते हैं ऐसे ऐसे हम लोग दबाते हैं तो पानी नीचे गिर जाता है और पनीर अंदर रह जाता है, ठीक है, यानी कि जो बड़े कण होते हैं अंदर रह जाएंगे, शुद्ध पानी नीचे आ जाएगा। तो ये क्रिया हम लोग, ये क्रियाकलाप हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका कि अगर गंदा पानी है तो इस गंदे पानी से शुद्ध पानी प्राय कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो गंदे पानी से शुद्ध पानी प्राप्त करने के तीन चरण है, अवसादन है पहले, उसके बाद निस्तारण है, फिर निस्यंदन। इन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा हम गंदे पानी से शुद्ध पानी को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे आपको समझा दिया। अब दूसरा चीज देखिए, वाष्पन इसमें है, इसको मिटाते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका वाष्पन। तो वाष्पन को भी हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, यहां पर भी देख लीजिए। वाष्पन क्या है कि जल के बूंदों का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना ही वाष्पन की क्रिया कहलाती है। जल के बूंदों का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना ही वाष्पन की क्रिया कहलाती है। क्रियाकलाप कैसे करेंगे इसका भी क्रियाकलाप देख लीजिए। एक गिलास लेंगे हम लोग, उस गिलास में क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे और उस गिलास में हम लोग पानी डाल लेंगे, पानी ले लेंगे और उस पानी में एक चम्मच नमक ले लेंगे, पानी ले लेंगे और प्लस क्या ले लेंगे, एक चम्मच नमक ले लेंगे, उस नमक को पानी में क्या है घोल लेंगे। अब आपको करना क्या है, पानी से नमक को अलग करना है। पानी से नमक को अलग करना है, कैसे करेंगे पानी से नमक को अलग, पहले तो हम लोग पानी में जब नमक को घोल लेंगे तो देखेंगे रंग में कोई परिवर्तन दिख रहा है, तो आप लोग को लगता है कि कोई परिवर्तन नहीं है, नमक पूर्णतया पानी में घुल गया है, अलग कैसे करेंगे। तो अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, छान कर तो अलग कर नहीं सकते, इसको हाथ से बीन कर तो अलग कर नहीं सकते, तो दूसरी विधि अपनाएंगे, आप इसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो गर्म करने के लिए हम लोग रख देंगे इसको, जब गर्म करने के लिए इसको रखते हैं तो अब इसको क्या है कि स्टैंड लगा देंगे और यहां से हमारा क्या है, नॉब है, अब गर्म करेंगे। जब इस गिलास को पे रखे हुए पानी को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसमें से पानी जो है वाष्प की बूंदों के रूप में यह उड़ने लगेगा,
पानी वाष्प की बूंद के रूप में उड़ने लगेगा। तो वही है, पानी का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना ही वाष्पन या वाष्पीकरण की क्रिया कहलाता है। पानी का उष्मा के प्रभाव से, यस का नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, पानी का उष्मा के प्रभाव से वाष्प के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया ही वाष्पन की क्रिया कहलाती है। तब वाष्पन की क्रिया तब तक कराइए, पानी को तब तक गर्म करिए जब तक कि संपूर्ण पानी वाष्पित न हो जाए। तो पानी को वाष्पित कर दीजिए, वाष्पित करने के बाद जब ग्लास में देखेंगे आप तो थोड़ा बहुत इस ग्लास को देखेंगे तो ग्लास को देखने पर आपको पता चलेगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पर नमक बचा हुआ है। तो इस तरह से पानी भी अलग हो गया, नमक भी अलग हो गया। जो नमक हम लोग प्राप्त करते हैं समुद्र से, तो समुद्री जल में बहुत सारे लवण होते हैं, उनमें से यही एक लवण क्या है, नमक है। तो दूसरा काम करते क्या करते हैं, वाष्पन की क्रिया के द्वारा ही हम समुद्री जल से नमक प्राप्त करते हैं, समुद्री जल से नमक प्राप्त करते हैं, समुद्री जल से नमक प्राप्त करते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा, वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा। कैसे करते हैं, जो समुद्र का पानी है जब लहर बनाकर आता है किनारों पर, तो हम लोग ऊंचे ऊंचे क्या है, मेड़ बना देते हैं चारों तरफ से, ऐसे ऊंचे ऊंचे खेत है ये, मतलब समुद्र का किनारा है, किनारों पर क्या है कि मेड़ बना देंगे। जब मेड़ बना देंगे यानी कि यहाँ पर ऐसे इसको घेर देते हैं, जब समुद्र का पानी इसमें आता है लहर के रूप में ऐसे गिरता है, तो यह गिर करके ऐसे गाद के रूप में इसमें इकट्ठा हो जाता है, गाज जो होता है उसका इसमें इकट्ठा हो जाता है उस मतलब बाढ़ में। तो जब इसमें इकट्ठा हो जाएगा पानी, तो क्या होगा कि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी, जब धूप होगा और सूर्य की रोशनी इस पे पड़ेगी, तो क्या होगा, पानी का वाष्पीकरण होगा, पानी वाष्प बन करके ऊपर चला जाएगा। और जब पानी पूरा वाष्प बन के ऊपर चला जाएगा तो इसमें क्या है कि ये नीचे नमक आपका बैठा हुआ मिल जाएगा। तो समुद्री जल से नमक भी किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, वाष्पन की विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये वाष्पन का आपका उदाहरण था, यह भी आपका खत्म हुआ टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथक्करण की एक से, इसको भी मिटाते हैं। नेक्स्ट है पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग, यानी कि पृथक्करण में एक से अधिक विधियों का उपयोग कब करते हैं हम लोग, कि अगर ऐसा कोई मिश्रण है कि जिसमें जैसे बालू ले लिया जाए और नमक ले लिया जाए। ठीक है, टॉपिक क्या है कि पृथक्करण में एक से अधिक, एक से अधिक विधियों का उपयोग। ठीक है, पृथक्करण में एक से अधिक विधियों का उपयोग कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। करेंगे क्या, ये भी क्रियाकलाप आप लोग अपने घर पे करके देख सकते हैं। बालू ले लेंगे और रेत ले लेंगे, नमक, बालू और प्लस क्या रहेगा, नमक, और इनको घोल लेंगे किसमें, पानी में। बालू और नमक को आपस में मिला लेंगे, पानी में घोल लेंगे। अब क्या है कि एक से अधिक विधियों का उपयोग करना पड़ेगा। पहले अगर हाथ चयन विधि द्वारा इस्तेमाल करना चाहे तो हम लोग हाथ से बिन बिन करके बालू को निकाल लेंगे, उसमें से नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले क्या कराएंगे हम, इनका अवसादन कराएंगे। अब अवसादन वही क्रिया हम लोग दोहराएंगे जो पहले हम लोग दोहराए थे, अवसादन कराएंगे। सबसे पहले इनका हम क्या कराएंगे, अवसादन कराएंगे। अवसादन में क्या करेंगे हम लोग, ग्लास में ले लेंगे मिश्रण को, ग्लास में ले लेंगे,
कुछ समय के लिए रख देंगे, रखने पर क्या होगा, नीचे बालू आपका जमक जम जाएगा और नमक में घुला हुआ पानी जो है वह ऊपर आ जाएगा। अब दूसरा क्रिया क्या करेंगे, निस्तारण करेंगे, दूसरा वाला निस्तारण करेंगे यानी कि इसको छान करके हम लोग अलग कर लेंगे, छान करके अलग करना निस्तारण कहलाता है। अब तीसरा वाला क्या करेंगे, निस्यंदन करेंगे हम लोग, निस्यंदन करेंगे। अब देखेंगे कि अगर निस्यंदन के द्वारा अलग होता है तो होता है, नहीं तो नेक्स्ट हम लोग अगर निस्यंदन करेंगे तो कपड़े से हम लोग इसको निस्यंदन में क्या करेंगे, पानी को छानेंगे। तो अगर मान लीजिए कि बालू का एकाध कण इसमें आ गया है तो निस्यंदन के द्वारा अलग हो गया। तब ये देखिए तीन विधियों का उपयोग हम लोगों ने कर लिया, लेकिन फिर भी अभी भी बालू तो अलग हो गया है लेकिन पानी में नमक अभी भी घुला हुआ है, जो हमको निस्यंदन के बाद गिलास मिला है इसमें क्या है, नमक घुला हुआ पानी है। अब क्या करेंगे, इसको ले लेंगे एक केतली में, इस पानी को ले लेंगे किसमें, एक केतली में ले लेंगे और केतली में लेकर के गर्म करेंगे, ठीक है। केतली में लेकर जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वाष्प निकलेगी और तब तक वाष्प निकालेंगे जब तक पूरा पानी गर्म होकर निकल ना जाए वाष्प, तो वाष्पन की क्रिया कराएंगे। तो चौथा क्या है, हम लोग वाष्पन करा रहे हैं, चौथा वाष्पन की क्रिया करा रहे हैं। वाष्पन केतली में लेकर पानी को गर्म करेंगे, वाष्पन की क्रिया होगी। वाष्पन की क्रिया के द्वारा पानी जब अलग होना शुरू होगा तो उस समय एक धातु की प्लेट लेंगे और धातु की प्लेट लेकर के ऊपर से लगा देंगे, ऐसे ऊपर से लगा देंगे और धातु की प्लेट के ऊपर बर्फ रखे रहेंगे जिससे पानी वाष्प ठंडा होता रहे। तो पानी जो है ठंडा होकर के बूंद 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 के रूप में वह क्या है, चू जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि ये आपका केतली है, ठीक है, ये आपका केतली है। नीचे से क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर इसमें से वाष्प निकलेगा, वाष्प निकलेगा तो ऊपर उठेगा वाष्प। अब जब ऊपर उठेगा तो एक धातु की प्लेट लेंगे, प्लेट को क्या करेंगे हम लोग, धातु की प्लेट को ऐसे लगा देंगे और इसके ऊपर बर्फ रख देंगे, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे बर्फ रख देंगे। ये क्या है, धातु की प्लेट है, ये धातु की प्लेट है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी और नमक का मिश्रण है, पानी और नमक का मिश्रण है और ये धातु की प्लेट है, ये क्या है, बर्फ है आपका। अब जब इससे ठंडा होगा तो ठंडा होने पर यह बूंद बूंद के रूप में पानी नीचे गिरने लगेगा, जिसको एक दूसरे वाले पात्र में, दूसरे पात्र में कह लीजिए चाहे गिलास में कह लीजिए, हम लोग इकट्ठा कर लेंगे तो पानी हमको मिल जाएगा। इसमें पानी यहाँ से बूंद बूंद के रूप में यह चला आएगा। तो वाष्प की बूंदों का यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, चौथा पांचवा वाला प्रकरण, पांचवा वाला है क्या आपका, संघनन। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लीजिएगा एक बार, चलिए नीचे नहीं दिख रहा है तो हम आपको आगे इसको मिटा करके दिखाएंगे। देख लीजिए, हम कौशादन हो गया, विस्तारण हो गया, निस्यंदन हो गया, वाष्पन हो गया, अब नेक्स्ट होगा क्या, संघनन, जो पांचवा है, पांचवा क्या होगा आपका, संघनन। क्या है, संघनन। तो संघनन क्या है आपका, वाष्प की बूंदों का, वाष्प की बूंदों का ठंडा होकर जल के रूप में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है, तो होगा क्या कि अब ये जो वाष्प की बूंदें हैं
ये वाष्प की बूंदे बर्फ है तो ये ठंडा है धातु, धातु से इसे ठंडा होकर वाष्प, चूंकि गर्म होता है तो ठंडा होकर के वाष्प पानी के रूप में इस गिलास में इकट्ठा हो जाएगा, पानी के रूप में इस गिलास में इकट्ठा हो जाएगा। तो इन्हीं वाष्प का बूंदों का ठंडा होकर जल के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन। तो इस प्रकार से देखा है आप लोगों ने सिर्फ बालू और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए पांच विधियों का, पृथक्करण के पांच विधियों का इस्तेमाल किया गया है। तो संघनन क्या है यह आपको समझ में आ गया होगा ऐसा करते हैं, ठीक है। अब ये संघनन क्या है, संघनन हो गया। फिर नेक्स्ट है एक टॉपिक और है आपका, इसको भी देख लीजिए, मिटाते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा संघनन की परिभाषा। अब एक टॉपिक और है इसका आप में कि क्या जल किसी पदार्थ की कितनी मात्रा को घोल सकता है, यानी कि जल किसी पदार्थ की कितनी मात्रा को घोल सकता है। में देखेंगे अभी हम लोग जल किसी पदार्थ की कितनी मात्रा को घोल सकता है। तो देखिए जल में किसी चीज का घुलना अर्थात क्या है कि विलयन, अर्थात क्या है विलयन बनाना, अर्थात विलयन बनाना। तो कोई भी विलयन हुआ तो उस विलयन को बनाने में दो चीजें लगती हैं, विलयन को बनाने में दो चीजें लगती हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलायक और दूसरा होता है आपका विलेय, दूसरा होता है विलेय। समझिएगा ध्यान से समझिएगा इसको, पहला विलायक होता है और दूसरा क्या होता है विलेय। तो विलायक जो होता है जिसमें जिसमें पदार्थ को जिसमें पदार्थ को घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है वह विलायक है और जिसको घोला जाता है, नोट कर लीजिएगा ऐसे ही, जिसको घोला जाता है वह क्या है आपका विलेय है, जिसमें घोला जाता है विलायक है और जिसमें घोला जाता है वह विलेय है। विलायक की संख्या हमेशा ज्यादा होती है, इसकी मात्रा हमेशा ज्यादा होता है और इसकी मात्रा हमेशा क्या होती है कम होती है। आगे बात समझ में, तो विलयन को बनाने में विलायक और विलेय दो चीजें लगती है। तो विलायक क्या है कि जिसमें पदार्थ को घोला जाता है और इनकी मात्रा ज्यादा होती है, विलेय क्या है जिसको घोला जाता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ये आप इसमें भी एक ग्लास ले लीजिए, इस ग्लास में करना क्या है, इस ग्लास में आप ले लीजिए पानी, पानी भर लीजिए, पानी भर करके इसमें एक चम्मच जो है नमक घोलिए, एक चम्मच नमक डालिए और इसको खूब हिला करके घोल दीजिए, ठीक है। एक चम्मच हिला करके जब घोल देंगे तो वह क्या हो गया, ये जो नमक जो डाल रहे हैं, नमक जो इसमें डाल रहे हैं, तो ये क्या है नमक डाल रहे हैं और ये क्या है पानी। तो यह जो नमक है वह है आपका विलेय है, नमक क्या है विलेय है और पानी क्या है आपका विलायक है, पानी आपका विलायक है, ठीक है। तो नमक में जैसे नमक में एक चम्मच डाले घोले, चलिए ठीक है, दो डाले घोले ठीक है, तीन डाले घोले ठीक है, चार डाले घोले ठीक है, ऐसे घोलते जाइए घोलते जाइए घोलते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि जब और अधिक नमक डालेंगे तो वह पानी में घुलेगा नहीं, ठीक है। तो यह पहले नोट कर लीजिए विलयन क्या है, फिर हम बताते हैं, ठीक।
तो एक समय ऐसा आएगा कि वह घुलेगा इसमें नहीं, तो उस विलयन को कहते हैं हम लोग संतृप्त विलयन। ठीक है, जब पानी में नमक घोल रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि वह पानी में घुलेगा नहीं, तो जब लिख रहे हैं नोट कर लीजिएगा क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, कि जब विलयन में विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ, जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ को न घोला जा सके, ठीक है, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, यानी कि अगर चीनी चाहे नमक का ले लीजिए, पानी में चीनी या पानी ले लीजिए, पानी है चीनी घोल रहे 1 चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच, एक समय ऐसा आएगा कि और जब चीनी डालेंगे तो घुलेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, वैसे ही चीनी खड़े खड़े चीनी आपको उसमें दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे विलयन को संतृप्त, मतलब क्या है कि आत्मा तृप्त हो गई है। अब जैसे उनके गांव में आप लोग कुछ कहते हैं कि जब भोजन करने के बाद ये कहते हैं आत्मा तृप्त हो गई, अब एक कवर नहीं जाई, मतलब कि एकदम पेट उनका भर गया है, अब थोड़ा सा भी वो खाना नहीं खा पाएंगे, तृप्त हो गए हैं, सम मतलब बराबर पूर्णतया तृप्त हो गए हैं, अब भोजन वह नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि और दूसरा होता है इसमें असंतृप्त विलयन, दूसरा क्या होता है असंतृप्त विलयन, तो असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, इसी का उल्टा हो जाएगा, असंतृप्त विलयन इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या कि जब विलेय में और विलायक में और अधिक विलेय घोला जा सके, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, जब विलायक में और अधिक विलेय घोला जा सके, तो इसे ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं, यानी कि अभी तृप्त नहीं हुआ है, जितना दोगे अभी और खाएंगे। ठीक है, यानी कि पानी लिए गिलास में एक चम्मच चीनी डाले तो घुल गया, ठीक, दूसरे को डालेंगे तो घुल गया, अभी असंतृप्त है, तृप्त नहीं हुआ, फिर 3 डालेंगे घुल गया, 4 डालेंगे तो एक एक कण अगर रह गया तो समझ लीजिए कि अब वह विलयन संतृप्त हो गया है, अब असंतृप्त नहीं रह गया है। ठीक है, तो ये था आपका क्या कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है लगभग ये फिनिश हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर को अब टोटल आप लोग रिवाइज करिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।